काशी गंगा श्री हरि दे गिरवर की परिक्रमा दे। मानसी गंगा श्री हरि दे गिरवर की परिक्रमा दे। और इस तरह का जाप करते करते हमने श्री गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा दी। आज हम इसके महात्म्य को समझने की कोशिश करेंगे। सिरोही से सैकड़ों किलोमीटर दूर मथुरा से 20 किलोमीटर की दूरी पर गोवर्धन पर्वत का नाम पर्वत है। द्वापर युग में आज हम इस महत्व को समझने की कोशिश करेंगे कि गोवर्धन की परिक्रमा क्यों दी जाती है, क्या इसका महत्व है और कैसे लोगों की श्रद्धा है, इतनी श्रद्धा, अकल्पनीय श्रद्धा। गिरिराज भगवान या गोवर्धन भगवान या कृष्ण भगवान, ये सब हम इनको पर्यायवाची कह सकते हैं, सब एक ही माया है। कार्तिक पक्ष की शुक्ल पक्ष को श्री गोवर्धन पर्वत की पूजा होती है दीपावली के दूसरे दिन। आज के दिन गोवर्धन पर्वत बनाते हैं गोबर से, हमने भी बनाया है, ये हमारा सौभाग्य है क्योंकि यहाँ से 500 किलोमीटर दूर बैठी हमारी माता जी का हमेशा ये संदेश रहता है कि गोवर्धन की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इस दिन गोबर से, गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाते हैं और फिर उनकी पूजा करते हैं परिक्रमा के साथ में। लेकिन इसके पीछे की कहानी हमको समझनी चाहिए। द्वापर युग में कृष्ण के समय की बात है। स्वाभाविक रूप से ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उन ब्रजवासियों को कहा कि भाई साक्षात भगवान गिरिराज पर्वत आपके सामने है और आप इनकी पूजा छोड़ के भगवान श्री इंद्र देव की पूजा करते हैं, इंद्र जिनकी कारण से बरसात होती है। और चूंकि भगवान श्री कृष्ण के सब सखा थे, सब उनके साथ खेलते थे और उनकी बात में उनको भरोसा भी था क्योंकि उनके चमत्कार बचपन से देख रहे थे ब्रजवासी। ये पर्वत को हमने इस रूप में बनाया है कि यहाँ ये हरा भरा पर्वत है, यहाँ घास है, बहुत सारी वृक्षावली है। तो उन्होंने इंद्र की पूजा को रोक कर गोवर्धन की पूजा को शुरू करवा दिया। आज हमारा सौभाग्य है कि हम प्रतीकात्मक पूजा कर रहे हैं। जैसे ही बंद करवाया, ऐसा कृष्ण शास्त्रों में इस तरह की बातें हैं कि इंद्र नाराज हुआ और उन्होंने 7 दिन 7 रात तक पूजा बरसात मतलब मूसलाधार बारिश की और फिर जब त्राही त्राही होती है गोकुल में ब्रज में तो श्री कृष्ण सभी ग्वाल बालों को बुलाते हैं, सबसे कहते हैं कि सब मिलकर पर्वत को उठाते हैं, गोवर्धन पर्वत को। और गोवर्धन पर्वत को ये सब लीला थी भगवान श्री कृष्ण की और ये चिटली उंगली पर उठाया। एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत है उस क्षेत्र में, एक रूपते पूजत है, एक रूपते पूजत है दूजो रूप पूजाए। भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं एक रूप में और दूसरे रूप में स्वयं चूंकि भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप हैं, दूजो रूप पूजाए सहज पूजा फैलाए के मांग मांग के खाए। अब आगे और सुनने की बात है, कहूं माखन को बल बढ़ो, ये श्रद्धालु हैं, कवियों की अपनी श्रद्धा है। कहूं माखन को बल बढ़ो, कहूं गोपन करी सहाय, राधु जी की कृपा गिरिराज लियो उठाए।
और गोवर्धन वासियों को श्रेय देते हैं भगवान श्री कृष्ण। अलवर जिले के नजदीक है गोवर्धन पर्वत, वहां से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन श्रद्धा इस कदर कि लोग पैदल जाते हैं, सालों से जाते हैं, महीने में एक बार नहीं दो दो बार जाते हैं और 21 कोस की परिक्रमा लगाते हैं ये उस पहाड़ की। एक संत कहते हैं कि जब ये पर्वत द्वापर युग में चिकली उंगली पर उठाया था तो उस समय इसकी ऊंचाई 16 योजन थी। 16 योजन मतलब एक कोस, चार कोस होते हैं एक योजन में, और उस 64 कोस की ऊंचा पहाड़ी। लेकिन धीरे धीरे ये एक अलग प्रभु की लीला है कि हर दिन एक तिल इस पहाड़ की ऊंचाई घट रही है और हम देखते हैं कि अब वो 64 योजन ऊंचा पहाड़ नहीं रहा। इसके पीछे दो तीन बातें हमको जरूर समझ लेनी चाहिए। गोबर से ही क्यों बनाया जाता है, इसके पीछे तर्क सीधा सा है कि भगवान श्री कृष्ण गायों को बहुत प्रेम करते थे, गायों की पूजा करते थे, गाय चराते थे और उनकी नज़र में गोवंश सर्वोपरि था। भारत की कृषि प्रधान जो अर्थव्यवस्था है उसका भी आधार था और उनके अनुसार गोवर्धन पर्वत जो गो संरक्षण और गो संवर्धन का एक आधार स्तंभ है। आज हमारा सौभाग्य है कि हम उस गोवर्धन पर्वत की पूजा कर रहे हैं। पर्यावरण का पोषक है, गो संरक्षण गो संवर्धन का आधार स्तंभ है और इनकी पूजा करनी चाहिए क्योंकि ये साक्षात देव हैं। पर पूरा ब्रजमंडल राजस्थान का उस क्षेत्र के कई जिले जहाँ पर गोवर्धन जी की बड़ी महिमा है, लोग पैदल जाते हैं, यात्रा करते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। हम भले ही मथुरा से 500-600 किलोमीटर दूर बैठे हैं लेकिन जहाँ भी हम रहें भगवान गिरिराज को, गोवर्धन जी को या श्री कृष्ण को, योगेश्वर श्री कृष्ण को हम हृदय में बसा कर रखें। और आज ये आनंद का विषय रहा कि दाल बाटी चूरमा बनाया हमने, गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाया और विधि विधान से पूजा की। मैं जयकारे के साथ बोलो गिरिराज महाराज की जय, बोलो गोवर्धन भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, पूछड़ी का लौठा की जय, मानसी गंगा की जय। मेरी बात को विराम देता हूं, भगवान गिरिराज सब संसार के ऊपर कृपा करे। जय श्री कृष्णा।